आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। देश में कोरोना से बीते 24 घंटे में 6,563 नए मामले आए सामने, वहीं अब तक 132 मरीजों की मौत। लखीमपुर खीरी हिंसा के 5 आरोपियों की जमानत याचिका पर जिला अदालत में सुनवाई आज। कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर ने लखीमपुर हिंसा पर चर्चा के लिए लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव दिया। कर्नाटक में ओमिक्रॉन के 5 और केस आए सामने, स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर सुधाकर ने दी जानकारी। गुड गवर्नेंस सप्ताह आज से, विविध कार्यक्रमों का आयोजन करेगी सरकार। नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है, मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश बुलेटिन की। खबर लखनऊ से है, जहां पर लखनऊ वासियों को 60 इलेक्ट्रॉनिक बसों की सौगात से नवाजा गया है। राजधानी के पॉलिटेक्निक चौराहे से बसों को हरी झंडी दिखाकर प्रदेश सरकार के नगर विकास मंत्री आशुतोष टंडन ने रवाना किया। इस अवसर पर उनके साथ लखनऊ की मेयर संयुक्ता भाटिया समेत मंडलायुक्त रंजन कुमार भी मौजूद रहे। तो राजधानी लखनऊ को और हाईटेक बनाया जा रहा है, इलेक्ट्रॉनिक बसों की सौगात लगातार जनता को दी जा रही है। तो वहीं आशुतोष टंडन ने कई इलेक्ट्रॉनिक बसों की सौगात दी है, इससे पहले भी कई इलेक्ट्रॉनिक बसें राजधानी में दौड़ती हुई नजर आती हैं। तो वहीं अब और ज्यादा बसें राजधानी में दौड़ती हुई नजर आएंगी। लखनऊ वासियों को नई सौगात मिली है, लगभग 60 इलेक्ट्रॉनिक बसों की सौगात से नवाजा गया है राजधानी लखनऊ के वासियों को। पॉलिटेक्निक चौराहे से बस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया है। प्रदेश सरकार के नगर विकास मंत्री आशुतोष टंडन ने सारी इलेक्ट्रॉनिक बसों को रवाना किया है और इस अवसर पर उनके साथ लखनऊ की मेयर संयुक्ता भाटिया समेत मंडलायुक्त रंजन कुमार मौजूद रहे। और इस खबर पे हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए संवाददाता विभांशु जुड़ चुके हैं। विभांशु, अभी तक कितनी बसें चल रही थी और 60 बसों की जो सौगात दी गई है उससे जो जिलेवासी हैं उनको क्या कुछ सौगात मिल सकती है? आपको बता दें कि लखनऊ में 60 बसों की सौगात से नवाजा गया है और राजधानी के पॉलिटेक्निक चौराहों से बसों को हरी झंडी दिखाकर आशुतोष टंडन ने रवाना किया। इस अवसर पे उनके साथ मेयर संयुक्त भाटिया समेत मंडलायुक्त रंजन कुमार भी मौजूद रहे। आपको बता दें कि सिटी बस ट्रांसपोर्ट की तरफ से ये नई बसों का संचालन कल से किया गया है। इसमें 140 बसों का आगे संचालन किया जाएगा, 60 बसों को हरी झंडी दिखा दी गई है। जी विभांशु, हम ये भी जानना चाहेंगे जो रेगुलर बसेस है जो अभी तक देखने को मिल रही थी राजधानी में, लेकिन अभी इलेक्ट्रॉनिक बसें भी आ गई, तो इन दोनों के किराए में कितना अंतर है? आपको बता दें कि किराया अन्य बसों की तरह सामान्य किराया देना होगा। जो हम पहले बसों में दे रहे थे उसी बसों की किराया सामान्य होगा। और आपको बता दें कि ये जो बसें हैं ये प्रदूषण मुक्त अभियान में इनका अहम योगदान रहेगा। ये प्रदूषण बिल्कुल नहीं देंगे, ये इलेक्ट्रिक रूप से चलेंगी। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर हमारे साथ संवाददाता विभांशु जुड़े थे। अलीगढ़ में कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रियंका गांधी के बयान में मैं लड़की हूं लड़ सकती हूं को लेकर काफी ड्रामा हुआ। चुनाव लड़ने के लिए महिलाओं में काफी होड़ मच गई है। कार्यालय में टिकट को लेकर काफी देर हंगामा भी देखने को मिला। तस्वीरें देख सकते हैं आप किस तरह से हंगामा देखने को मिला है। चुनाव लड़ने की होड़ में काफी हंगामा देखने को मिला, अलीगढ़ से यह खबर सामने आ रही है। बलिया में बीजेपी की जन विश्वास यात्रा में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पहुंचे, जहां पर एक दलित कार्यकर्ता ने कार्यक्रम के बाद उन्हें घर में भोजन करने का निमंत्रण दिया। शिवराज सिंह चौहान ने निमंत्रण को स्वीकार भी किया, लेकिन कार्यक्रम के खत्म होने के बाद सीएम निमंत्रण में नहीं पहुंचे।
तो सीएम को निमंत्रण दिया गया था कि घर पे आकर वो भोजन करें। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जो कि बलिया में बीजेपी की जन विश्वास यात्रा में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पहुंचे थे, लेकिन एक दलित कार्यकर्ता ने कार्यक्रम खत्म होने के बाद उन्हें अपने घर पर निमंत्रण दिया, भोजन का निमंत्रण दिया गया था, लेकिन उन्होंने स्वीकार किया, लेकिन कार्यक्रम खत्म होने के बाद सीएम निमंत्रण पे नहीं पहुंचे। बुलंदशहर में हिंदू युवा वाहिनी ने प्रेस वार्ता का आयोजन किया। इस वार्ता का मुख्य उद्देश्य प्रदेश में चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं को जनता तक पहुंचाना है। हिंदू युवा वाहिनी के जिलाध्यक्ष ने कहा कि इस बार भी प्रदेश में योगी सरकार बनेगी। वहीं सपा और आरएलडी के गठबंधन पर प्रतिक्रिया जाहिर करते हुए कहा कि किसी भारतीय जनता पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ता है कि जीत हमेशा सत्य की होती है। ऐसा नहीं है, हम हमेशा धर्म के हित में, समाज के हित में कार्य करते रहे हैं और करते आए हैं और करते रहेंगे। हम कभी अपने घर में नहीं बैठे हैं, हमेशा हमने समाज का, धर्म का काम किया है, करते हैं और करते रहेंगे। तैयारियां कैसी हैं और किस तरीके से की जा रही हैं? तैयारियां बहुत अच्छी है। पूज्य महाराज जी को दोबारा मुख्यमंत्री बनने से कोई नहीं रोक सकता। पूरा प्रदेश का एक एक व्यक्ति चाहता है कि योगी जी आए फिर से उत्तर प्रदेश पर राज करें। ऐसा राज, ऐसा रामराज पीछे कभी नहीं आया। जैसा अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के उर्दू विभाग के पूर्व विभागाध्यक्ष सर सैयद एकेडमी के पूर्व निदेशक प्रोफेसर असगर अब्बास को उत्तर प्रदेश उर्दू अकेडमी का सर्वोच्च पुरस्कार मौलाना आजाद अवार्ड मिलने से एएमयू में खुशी की लहर दौड़ गई है। वहीं विश्वविद्यालय के जनसंपर्क विभाग के पीआर ऑफिस ने प्रोफेसर असगर अब्बास को बधाई दी है। देखिए साहब, बहुत ही फख्र की बात है और हमें बहुत खुशी इस बात से है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के उर्दू डिपार्टमेंट के फॉर्मर चेयरमैन और साथ में सर सैयद एकेडमी के फॉर्मर डायरेक्टर रहे प्रोफेसर असगर अब्बास साहब को उर्दू एकेडमी के सर्वोच्च पुरस्कार यानी कि मौलाना आज़ाद से सम्मानित किया गया है। और जैसे कि आपको मालूम है कि यहाँ के जो हमारी टीचिंग फर्टर्निटी है, स्टूडेंट्स हैं, रिसर्चर्स हैं, अंडर द एबल गाइडेंस ऑफ वाइस चांसलर मौजूदा, जो उनके पोटेंशियल वो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर रिकग्नाइज किए जा रहे हैं। और ये इनका ये जो पुरस्कार है, सिर्फ इनका पुरस्कार नहीं, ये पूरी यूनिवर्सिटी और पूरी एएमयू फ्रेटर्निटी का। फरुखाबाद में सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी और सपा के चल रहे कश्यप अधिकार सम्मेलन में अचानक मंच गिर गया। इस दौरान कई नेता चोटिल हो गए। वहीं पूर्व मंत्री ने मोदी और योगी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि योगी जी अनुपयोगी हैं। एसआई की भर्ती रुकी हुई है। बांदा से बलिया तक कोरोना के दौरान बंगाल में चुनाव में वोट मांग रहे थे। के लिए बेड के लिए, वेंटिलेटर के लिए तरस रहे थे तो ये बंगाल में वोट मांग रहे थे। इनको ज्ञान नहीं था कि हम अपने प्रदेश को खुशहाल कैसे रख सकें, इस आपदा से कैसे बचा सकें। ये कहां उपयोगी हैं? ये तो मोदी जी ने साफ साफ, मोदी जी द्वर्थी भाषा बोलते हैं, मोदी जी के जबान में दो मुंह है। मोदी जी ने कहा था कभी कि हम देश बेचेंगे, देश बेच रहे हैं। मोदी जी कहे थे, अभी कह के गए हैं कि वो कह रहे हैं कि योगी अनुपयोगी है। इस नाते कि आपने पूर्वांचल एक्सप्रेस के उद्घाटन में देखा, मोदी जी ने योगी जी। और इस खबर पे हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए संवाददाता सुंदरम जुड़ चुके हैं फरुखाबाद से। सुंदरम, कुल कितने मंत्री चोटिल हुए मंच गिरने के दौरान? वहां पर मंच गिरने के दौरान कुछ लोगों को चोटें आई थी और ओम प्रकाश राजभर की वहां पर अमृतपुर विधानसभा में जो रैली थी उसमें जब ओम प्रकाश राजभर मंच पे पहुंचे थे तो अधिक लोगों द्वारा उनका स्वागत सत्कार के लिए अधिक लोग चढ़ गए थे और मंच जो था वो इतना मजबूत नहीं था कि सभी लोगों का भार झेल सके, तो भरभरा के गिर गया। तो वहां पे एक भगदड़ की स्थिति बन गई थी और उससे कुछ लोगों की चोटिल हुए थे लेकिन किसी को गंभीर चोटें नहीं आई थी। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए। इस खबर पर हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए संवाददाता सुंदरम जुड़े थे फरुखाबाद से।
वहीं अब खबर लखनऊ से है, जहां पर उत्तर प्रदेश चुनावों के पहले समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पार्टी कार्यालय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। वहीं सपा नेताओं के घर पर इनकम टैक्स की छापेमारी को लेकर बीजेपी सरकार पर जोरदार हमला भी बोला गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रवक्ता राजीव राय भी मौजूद रहे। इस दौरान सपा प्रमुख ने सीएम योगी आदित्यनाथ को अनुपयोगी मुख्यमंत्री करार दिया है, और क्या कुछ कहा है आप भी सुनिए। जो मुझ पर गुजरी है और गुजर रही है और क्यों गुजर रही है मैं आपको बताना चाहूंगा। कल सुबह 7 बजे नेता के भेष में डिप्टी कमिश्नर इनकम टैक्स चौबे जी लगभग 15-16 और अन्य इनकम टैक्स अधिकारियों के साथ मेरे दरवाजा खुलवाया। सिक्योरिटी ने दरवाजा खोला, सीधे बेडरूम में घुस गए मऊ में, और उसके बाद जब मैंने विरोध किया तो उन्होंने अपना परिचय दिया, परिचय करके मेरा फोन सीज कर लिया और फिर मुझे नोटिस दिया। मैंने बोला मेरे बेंगलोर का कॉलेज का है तो बोले कि औरैया के एरवा कटरा थाना क्षेत्र में प्राचीन जाहरवीर बाबा का मंदिर काफी प्रसिद्ध है, जहां मेले का आयोजन होता है, जहां दसियों हजार की संख्या में लोग आते हैं। लोगों का कहना है कि यहां सभी श्रद्धालुओं की मनोकामना पूरी होती है। वहीं बता दें कि मेले में 4 साल का मासूम बच्चा गुम हो गया था, जिसे पुलिस कर्मियों ने सुरक्षित ढूंढ कर उसके माता पिता से मिलवाया। औरैया से ये खबर सामने आ रही है, जहां पे प्रसिद्ध मेला लगता है और जिसमें 4 साल का बच्चा खो गया था, जिसके बाद परिजन काफी परेशान थे, लेकिन पुलिस कर्मियों को बड़ी सफलता हाथ लगी है। उन्होंने बच्चे को सकुशल ढूंढकर परिजनों से मिलवाया। आपको बता दें कि औरैया के एरवा कटरा थाना क्षेत्र में प्राचीन जाहरवीर बाबा का मंदिर काफी प्रसिद्ध है। यहाँ मेले का आयोजन भी किया जाता है हर बार की तरह, इस बार भी मेले का आयोजन किया गया है, जहाँ दसियों हजार की संख्या में लोग आते हैं, काफी भीड़ रहती है। लोगों का कहना है कि यहाँ पे सभी श्रद्धालुओं की मनोकामना पूरी होती है, और साथ ही इस मेले के दौरान इस बार कुछ अलग ही देखने को मिला। 4 साल का मासूम बच्चा खो गया, जिसे पुलिस कर्मियों ने सुरक्षित ढूंढ निकाला और उसके माता पिता से मिलवा दिया। तो सराहनीय काम किया है, पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। और इस खबर पे हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए संवाददाता अमित जुड़ चुके हैं औरैया से। अमित, कितनी देर के अंदर बच्चे को सकुशल ढूंढ निकाला पुलिस कर्मियों ने? मैम लगभग वही, लगभग 8 घंटे से बच्चा गायब था, परिजन काफी परेशान थे, लेकिन जो मेला मालिक थे उन्होंने अनाउंस करके और पुलिस ने पूरे हमरा के साथ खोज निकाला। जी बिल्कुल, कितने लोग इस मेले में जुटते हैं अमित, हम ये भी जानना चाहेंगे। जी ये मेला केवल 3 दिन का ये लगता है, जाहरवीर बाबा का मेला है, रघुनाथपुर एरवा कटरा से 4 किलोमीटर दूर है जी। और यहाँ पे लगभग पहले ही दिन भीड़ लगभग 10,000 की संख्या में होती है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पे हमारे साथ संवाददाता अमित जुड़े थे। अलीगढ़ के रोरावर थाना क्षेत्र में एक युवक की ट्रेन के चपेट में आने से मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच पड़ताल भी शुरू कर दी है। वहीं इस घटना की सूचना पाकर मृतक के परिजनों में कोहराम मच गया है। बुलंदशहर में ट्यूशन पढ़कर घर लौट रही नाबालिग छात्रा से दबंगों ने छेड़खानी की। विरोध करने पर छात्रा के परिजनों से दबंगों ने मारपीट की। मारपीट में कई युवक गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। वहीं परिजन लगातार पुलिस से कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। मामला खुर्जा नगर कोतवाली क्षेत्र का बताया जा रहा है। क्या हुआ बेटा आपके साथ? जब मैं स्कूल में ट्यूशन की आ रही थी तो ट्यूशन पे से तो कुछ लड़कों, मतलब 2 लड़कों ने मुझे रोक लिया और वो बोल रहे थे कि तुझे मुझसे बात करनी पड़ेगी। जब मैंने मना करा, मना करने पर उन्होंने बोला अगर तूने मुझसे बात ना करी ना तो तेरी ऐसी वीडियो सोशल मीडिया पर डालूंगा कि तू जिंदगी भर याद रखेगी कि क्या किससे तुम। और इस खबर पर हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए संवाददाता शिवांग जुड़ चुके हैं बुलंदशहर से। शिवांग, क्या है पूरा मामला, कितनी साल की है ये लड़की? देखिए मैं आपको बता दूं कि पूरा मामला जो है खुर्जा नगर कोतवाली के अंतर्गत एक क्षेत्र का है, जहां पर एक नाबालिग युवती जो है वो ट्यूशन पढ़कर आ रही थी और उसके बाद जब देखा गया कुछ मनचले जो वहां से निकलते जा रहे थे उसको एक साथ रोका, उसको छेड़छाड़ करने लगे, लेकिन उसके बाद जब उसने उस चीज का विरोध किया तो उसके बाद उस पर जो है धमकी देने लगे और आपने पड़ोस में से वहां से निकल के उसके भाई जा रहे थे, जिसके बाद भाई ने देखा तो उन लड़कों का विरोध किया और उसके बाद भाइयों पर भी उन्होंने हमला बोला और मारपीट भाइयों के साथ भी शुरू कर दी। जी कहीं ना कहीं बहुत बड़ी जो है घटना अपने आप में एक
साबित होती है कि दिन दहाड़े ऐसे मंचलों के हौसले इतने बुलंद होते जा रहे हैं, किसी नाबालिग लड़की को जो है छेड़छाड़ का की घटना जो सामने आ रही है, इनके द्वारा की गई छेड़छाड़ की घटना जो है वो सामने आ रही है। उसके बाद FIR दर्ज कराने पीड़िता के जो माँ है वो FIR दर्ज कराने थाने पहुंची, और उसके बाद जो आरोपी थे उन्होंने उस पीड़िता के घर पर आकर भी जो मारपीट की गई, जिसमें 5 लोग गंभीर रूप से घायल भी हो गए थे, जिनके चोट भी आई थी, और वहां पर उनका सरकारी अस्पताल में इलाज भी चल रहा है। जी जी शिवांग, इस घटना के बाद पुलिस ने क्या कार्रवाई शुरू करी है? देखिए पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है आरोपी के खिलाफ, और पुलिस का यही कहना है कि जांच चल रही है, जांच के बाद जो भी वैधानिक कार्रवाई होगी वो की जाएगी। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए। इस खबर पर हमारे साथ संवाददाता शिवांग जुड़े थे बुलंदशहर से। लखनऊ में भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह के नेतृत्व में कार्यकर्ता और तमाम पदाधिकारी भारी संख्या में अपनी मांगों को लेकर पहुंचे। इस दौरान किसान की कर्ज माफी से लेकर ट्यूबवेल की बिजली को फ्री करने की मांग की गई है। भारतीय किसान यूनियन का सीधा संदेश यही है कि जब तक हमारी मांगों को पूरा नहीं किया जाता है, तब तक हम किसानों का डेरा डालकर लोकतांत्रिक प्रणाली से अपनी बात रखने के लिए बैठे रहेंगे। तो अपनी मांगों को लेकर किसान लखनऊ पहुंचे हैं, वो चाहे ट्यूबवेल की बिजली फ्री करनी हो या फिर कर्ज माफी, इन सभी चीजों को लेकर लगातार मांगे उठा रहे हैं, और उन्होंने कहा है कि जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाती हम इसी तरह से प्रदर्शन करेंगे। भानु प्रताप के नेतृत्व में पदाधिकारियों ने मांग करी है, प्रदर्शन कर रहे हैं और मांगों को लेकर कार्यकर्ता लखनऊ पहुंचे। तस्वीरें देख सकते हैं आप कि कितनी ज्यादा संख्या में लोग पहुंचे हैं, अपनी मांगों को जोर शोर से उठा रहे हैं। तो भारतीय किसान यूनियन के साथ कई किसान मौजूद हैं जो कि अपनी आवाज उठा रहे हैं, अपनी मांगों को लेकर लगातार सरकार तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं कि कर्ज माफी हो, ट्यूबवेल की बिजली फ्री की जाए, साथ ही जितनी उनकी मांगे हैं उसको पूरा करवाने के लिए लगातार वो प्रदर्शन कर रहे हैं और अब बड़ी संख्या में लखनऊ पहुंचे हैं भानु प्रताप के नेतृत्व में पदाधिकारी मांग कर रहे हैं। तो अपनी मांगों को लेकर किसान पहुंचे हैं लखनऊ, भानु प्रताप के नेतृत्व में पदाधिकारी मांग पर अड़े हुए हैं, अपनी मांग को सरकार तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। तस्वीरें देख सकते हैं आप, किसान प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं, उनका कहना है कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होगी प्रदर्शन करते रहेंगे, और कार्यकर्ता जितने भी हैं किसान कार्यकर्ता वो मांगों को सरकार तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। फतेहपुर के बकेवर कस्बे की एक विद्यालय में गोष्ठी का आयोजन किया गया। गोष्ठी के आयोजन का विषय जल और कल रखा गया। बिंदकी के उपजिलाधिकारी ने दीप को प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। कार्यक्रम के दौरान पौधारोपण का कार्यक्रम भी हुआ। इस कार्यक्रम में मौसम विभाग के पूर्व विभागाध्यक्ष डॉक्टर अनिरुद्ध दुबे ने जल संचयन के बारे में विस्तृत जानकारी दी। उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।